अभी अस्सलाम अरे मेरा बच्चा। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, तुम्हें याद कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए वालेकुम। बैठिए बैठिए प्लीज प्लीज। आई एम सॉरी, एक मिनट प्लीज। यार आ जाओ मेरा बच्चा। सलीम को भोग के खाना लगवाओ। नहीं अभी हम डिनर कर कर आए, बस आपसे मिलने का दिल कर रहा था तो जुनेद ले आए। अच्छा किया, घर में सब ठीक है? जी ऑल गुड। फिर आप ही भी तो हैं मेरे साथ। बेटा आप ही का घर में होने को गारंटी के तौर पे मत लेना। आप ही के अलावा भी घर में और लोग हैं जिनकी खुशी का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है बेटा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से कोई ऐसे मसले खड़े हों जिनकी बिना पर रूही को भी जवाबदेह होना पड़े। आप ही ने कुछ कहा है आपसे? रूही का फोन आया था। तुम्हारा यूं अचानक बताए बगैर घर से निकलना अच्छा नहीं लगा फरीदा बहन को। आओ बेटा आओ। क्या परेशानी है? मुझे आने से पहले अम्मी से पूछना चाहिए था, वो नाराज हो रही है। माँ की नाराजगी का अंकल को कैसे पता चला? आप ही ने फोन किया था अम्मी को, उन्होंने बताया। शायद अम्मी ने कुछ कहा है उनसे, मेरी वजह से बातें सुननी पड़ रही हैं आप ही को। माँ ऐसा नहीं कर सकती। अगर उन्हें आपसे कोई शिकायत है तो आपसे डायरेक्ट बात करें। आप भी अभी से झूठ थोड़ी बोलेंगी। आपको लगता है मैं गलत कह रहा हूँ? मैं अपनी माँ को नहीं जानता। नहीं नहीं मैंने ऐसा कब कहा है, मैं तो बस। आपको माँ और रूही के हवाले से गलत फहमी हो रही है। आप ही के हवाले से क्या गलत फहमी होगी मुझे? आपको लगता है रूही जो कहती है वो सच होता है? गलत तो नहीं लगता, आप ही झूठ नहीं बोलती। आपकी यही गलतफहमी दूर करनी है। आपकी आप ही झूठ बोलती हैं।